अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं अपने बहुत ही प्यारे सिटी बहावलपुर में जा रहा हूँ। तो धुंध की वजह से मैंने बस पे ट्रैवल करना मुनासिब नहीं समझा, तो इसीलिए ट्रेन का मैंने रुक कर लिया। तो आज मैं आपको लाहौर का कोट लखपत का स्टेशन दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसके साथ आपको बताता चलूँ कि आज मैं इलामा इकबाल एक्सप्रेस पे ट्रैवल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा आज का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आज अपनों के पास जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। सब लोग आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हमारी ट्रेन इलामा इकबाल एक्सप्रेस है, उम्मीद करते हैं कि आज का सफ़र हमारा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ट्राई करते हैं यहाँ से, लेकिन आगे निकल चलते हैं। अच्छा, धुंध की वजह से ट्रेन में भी काफ़ी रश है आज ना। मैंने भी ट्राई की थी, परसों की ट्राई कर रहा था कुछ टिकट हो जाए, लेकिन कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं हुई। चलो देखी जाएगी जो होगा इंशाल्लाह। हम अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा होने वाले हैं अगले 10 मिनट में। लाहौर कोट लखपत स्टेशन है जी ये, यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, ट्राई करते हैं कुछ सीट ढूंढने की फ्री हुई तो। अब हमारा बाकायदा सफ़र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। ये अपना हम कोट लखपत का जो स्टेशन है वो क्रॉस कर रहे हैं, और अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हो चुके हैं बाकायदा से। ये देखें जी, ये स्टेशन के साथ ही बच्चों का प्लेग्राउंड है, और साथ ही इधर DHA लगता है कोट लखपत के। आई थिंक फेस तो मुझे कंफर्म नहीं है DHA का कौन सा फेस है। लग रहा है, थोड़ी सी आउटिंग भी हो रही है और साथ व्लॉग भी बन रहा है। तो अल्लाह के रहम करम से हम रायबंद जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आज का सफ़र अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा रहेगा। हम रायबंद जंक्शन से ऐसे मेरे ख्याल में 10 मिनट के स्टे के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। एक दफ़ा से फिर ये रायबंद का मेन इंट्रेंस है जी। आज मुझे लगता था कि मेरा जो सफ़र है वो बहुत ही मतलब दूर होगा, या मैं आज सारा दिन परेशान ही रहूँगा, आके बोर भी नहीं होंगे और काम भी चलता रहेगा और सफ़र भी जारी रहेगा। आज का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन 7 घंटे का है। कर रहे हैं
भी होती हैं जो हमें लाजम होती हैं, लेकिन ये देखें कुछ लोग इस तरह की हरकतें भी करते हैं जिनसे मतलब ये देखें छोटे छोटे बच्चे ही साथ कहाँ करें, हालांकि उनका इधर करने का हक ही नहीं बनता। दोस्तों ये है पत्तों की रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और ये एक मालगाड़ी भी रुकी हुई है इधर। हमारे सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल में थोड़ा दूर है। कोशिश करता हूँ खाने के, लेकिन काफ़ी सारी दूर है। और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आज का जो व्लॉग है मैं बहुत ही अच्छा बनाऊँ, क्योंकि ट्रैवलिंग का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ये थी हमारे सामने वाली ट्रेन, आ गई है जी बिल्कुल हमारे नज़दीक। क्या बात है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये है कि मैं अपना कैमरा जो है वो बाहर नहीं निकालना चाह रहा, क्योंकि स्टेशन के पे हमारी बस हो रही है जी दूसरी गाड़ी के साथ। देखें पत्तों की से थोड़ा सा आगे साथ ही नर्सरी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। मजे की बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी है, मेरा ख्याल है कम से कम तो होगी ही। कोशिश करूँगा आज ट्रैवलिंग के दौरान जो खूबसूरत खूबसूरत जो नज़ारे या शॉट के
माल है, बड़ी स्टेशन पर पहुंच गए। गाड़ी में माशाल्लाह से आज बहुत ज़्यादा रश है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी तो ये है जी साईवाल का स्टेशन, इधर तो बहुत सारी लाइनें हैं जी, और अल्लाह के करम से धूप भी निकल आई है। ये देखें बिलाखिर साईवाल तक मैं एंड वाले डब्बे तक पहुंच गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बहावलपुर पहुंचता सबसे स्टार्ट वाले डब्बे में पहुंच जाऊंगा स्ट्रगल करता। साईवाल क्रॉस कर लिए हैं और फिर एक दफ़ा से फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से ठीक है अपनी स्टेशन पर पहुंच गए हैं, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, और ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारा रश है, ठीक है, और आवाम भी ज़्यादातर ट्रेनों का ही रुख कर रही है, ठीक है, धूप की वजह से मोटरवेज वगैरह बंद होते हैं। ये हुआ जी हमारा स्टॉप चटनी का। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने शहर प्यारे सिटी नवाबाव सिटी बहावलपुर में पहुंच चुके हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह के खैर खैरियत से पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हो गए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने खैर खैरियत से पहुंचा दिया, और मुझे सीट भी नहीं मिली। मैं ऐसे ही सारा रास्ते जो है ना वो कभी कहीं बैठ के कभी खड़े होके अपना सफ़र पूरा किया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक बन रही है, तो पहली दफ़ा आया हूँ जब से ये रेलवे स्टेशन, दोबारा से मैं आता हूँ। हॉल कितना बड़ा है, क्रॉस किया जी, धुन बहुत है और काफी, लेकिन मैं अपनी सर्दी से बचने के लिए अपना प्रोग्राम करके ही आया था, इसलिए मैं दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपने बहावलपुर का रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह फुल इसका व्यू बहावलपुर के रेलवे स्टेशन का। तो